हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपकी लेख बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NHS RCL भर्ती 2020-21 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल निगम लिमिटेड के अंतर्गत भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ पर ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जमा नहीं करानी होगी। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, सिलेक्शन आपका किस बेस पर होगा, आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, अब मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत निकली है। अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट है 12 दिसंबर 2020। जी हाँ दोस्तों, 12 दिसंबर 2020 से अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो चुका है और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 1 जनवरी 2021। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है, अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है। सीनियर एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट के लिए 53 वैकेंसीज है। अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा या BE BTech का होना ज़रूरी है सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सैलरी आपको मिलने वाली है 40,000 से 1,40,000 रुपये पर मंथ। सीनियर एग्जीक्यूटिव SNT के लिए 3 वैकेंसीज है। अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा या BE या BTech का होना ज़रूरी है, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी सैलरी आपको मिलने वाली है 40,000 से 1,40,000 रुपये पर मंथ। सीनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। यहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा या BE या BTech का होना ज़रूरी है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी आपको वही सैलरी मिलने वाली है 40,000 से 1,40,000 रुपये पर मंथ। असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए 1 वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए डिग्री किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत होना ज़रूरी है, साथ ही साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सैलरी आपको मिलने वाली है 50,000 से 1,60,000 रुपये पर मंथ। सीनियर एग्जीक्यूटिव जनरल के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। अप्लाई करने के लिए कोई भी ग्रेजुएट डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर सैलरी आपको मिलने वाली है 40,000 से 1,40,000 रुपये पर मंथ। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। जो प्रोफाइल भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है, यहाँ से आप देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आपको कौन कौन से काम करने होंगे, वो डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रखी है। सिलेक्शन की अगर बात की जाए, सिलेक्शन आपका CBT, पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल एग्ज़ाम के आधार पर होने वाला है। इन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा और इनके बारे में डिटेल भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है। अपरेज में छूट मिलने वाली है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की अपरेज में छूट मिलने वाली है। जो कैंडिडेट जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उन कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की अपर एज में छूट प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.NHSRCL। जी हाँ दोस्तों, इसी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और किस फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे,
वो डिटेल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रखी है, वो डिटेल भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अभी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस भर्ती का यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ओपन करके इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।